हर्ड पोएम ऑफ 10th क्लास, ए टाइगर इन द जू. ए टाइगर इन द जू इज लवली पोएम रिटन बाय लजाइल नोरेस. ये जो पोएम है इसके जो पोएट है वो कौन है बेटा? लजाइल नोरेस है. और इन दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू टू द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. इस कविता के अंदर एक चिड़ियाघर में और एक अपने प्राकृतिक आवास में रहने वाले जो टाइगर है उससे तुलना की गई है. ठीक है, एक जो टाइगर है वो जू में रह रहा है बिहाइंड द बार्स, एक जो टाइगर है वो अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर रह रहा है. नेचुरल हैबिटेट मतलब अपना प्राकृतिक आवास जहाँ पर जंगलों में वो रहता है. जैसे इंसान होता है, इंसान अगर यदि जेल में रहता है बार के पीछे रहता है तो परेशान हो जाता है, इसी प्रकार जानवर होते हैं वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं जब उन्हें बांध कर या फिर कहीं बार के अंदर पिंजरे के अंदर कैद करके रखा जाता है. सो द पोएट इज सेइंग दैट द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू एंड टू द जंगल. ये जो पोएम है एक बार जू के बारे में बताती है, एक बार जंगल के अंदर रहने वाले उस जानवर के बारे में जो जंगल में रहता है. इन इट्स नेचुरल सराउंडिंग द टाइगर इज हैप्पी एंड जॉयफुल. मैंने आपको बताया कि जो इंसान होता है जब खुले आम स्वतंत्र रहता है अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर रहता है तो एकदम खुश रहता है. इसलिए बताया गया है कि जो जानवर है अपने प्राकृतिक आवास के अंदर रहता है वो बड़ा खुश है, वो बड़ा आनंदित है. एंड बट इन ए केज ही इज फुल ऑफ रेस एंड ट्रबल. जबकि दूसरा जो बाघ है इसमें दो सिचुएशन शो की गई है बेटा. जो पोएट है वो पहले जू में जाता है, जू के अंदर भी एक बाघ होता है, फिर उसके बाद जंगल में जाता है, जंगल में भी एक बाघ होता है. दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो सब कुछ यहाँ पर आपको शो किए गए हैं. तो दोनों के अंदर क्या क्या बताया गया है? पहला जो बाघ है जो अपने प्राकृतिक आवास में रहता है वो खुश है, जबकि दूसरा है जो कि एक पिंजरे के अंदर है वो गुस्से में है, मुसीबत में है. सो द पोएम शोज दैट द ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम. इसलिए कविता है ये किसका वर्णन करती है बेटा? महान स्वतंत्रता के महत्व का, जो हमें स्वतंत्रता के अंदर हमें जो कुछ कुछ अधिकार प्राप्त होने चाहिए हमारे लिए क्यों आवश्यक है उसकी नेसेसिटी को शो करती है ये. दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट टाइगर इन द जू विद द टाइगर इट्स नेचुरल हैबिटेट. बताए कि ये जो पोएम है ये किसके बीच में तुलना करती है? एक जो टाइगर है जो जू के अंदर रहता है, दूसरा टाइगर है अपने प्राकृतिक आवास के अंदर. द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू जंगल. ये जो पोएम है कहाँ से चलती है? पिंजरे से चलती है, चिड़ियाघर से चलती है और जंगल में जाती है एंड बैक टू द जू और वापस चिड़ियाघर में लौट आती है. रीड द पोएम साइलेंटली वंस. इस कविता को आप एक बार शांति से पढ़िए एंड से विच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू. कौन सा स्टेंजा है आप बताइए कि वो जो टाइगर इन द जू है उसके बारे में वर्णन करता है. एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल. और कौन सा स्टेंजा ऐसा है जो उस टाइगर का वर्णन करता है जो जंगल में है. सो लेट अस रीड द स्टेंजा एंड देन फाइंड आउट विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल एंड स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू. स्टॉक्स इन हिज वाइड व्यू स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. देखिए स्टॉक्स का मतलब होता है वॉक्स विद प्राइड, गर्व से चलना. और विविड मीन्स होता है क्लियर, स्पष्ट रूप से. वैलेट मीन्स होता है ए सॉफ्ट क्लॉथ मतलब मखमल. और रेज का मतलब होता है एंगर, गुस्सा. देखिए क्या बताया कि हिज स्टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप्स. वह अपने स्ट्रिप्स मतलब होता है धारिया. वह अपने स्पष्ट धारिया जो है एक धारी वाला इंसान है और अपने पिंजरे में मखमली जो शांति है और खामोश गुस्से के साथ वह टहल रहा है. मखमली शांति और बेटा गद्देदार जो उसके पैर है उसकी क्या बताया, एक मखमल जैसे पैर है उसके और उनके साथ वह पिंजरे के अंदर गुस्से से टहल रहा है, गुस्से से घूम रहा है. ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू द ग्रास नियर द वाटर होल वेयर द प्लम्प मीन्स फैट मोटा ताजा डियर पास. ही शुड बी लर्किंग. लर्किंग मीन्स छिपकर, घात लगाना, छिपकर बैठना. हाइडिंग स्लाइडिंग मीन्स होता है वॉकिंग विद ईज मतलब आसानी से चलना. नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प. प्लम्प मीन्स फैट मोटा.
बताया कि ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, वह छाया के अंदर घात लगाकर उसे बैठ जाना चाहिए। क्यों बैठ जाना चाहिए बेटा? अपने शिकार के लिए। शिकार करना क्यों जरूरी है? दैट इज द फूड चेन सिस्टम। अगर यदि ये नहीं खाएंगे तो हमारे इको के लिए क्या हो जाएंगे, जो डियर है उनकी ज्यादा मात्रा हो जाएगी और ये हमारे प्रकृति के लिए नुकसानदायक हो जाएंगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए कहाँ पर बैठ जाता है, उन जानवरों, जो जानवर है जो पानी पीने के लिए पानी के होल के पास आते हैं और वहां से होकर गुजरते हैं, उनके लिए वो छिपकर बैठ जाता है, घात लगाकर बैठ जाता है और उसके बाद लंबी लंबी घास में पानी के छोटे स्रोत के पास जहाँ से हिरन होकर गुजरते हैं वहां पर वो बैठ जाता है। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज। स्नैरलिंग मीन्स होता है गुर्राना, दहाड़ना, एट द एज जंगल्स एज, बारिंग हिज वाइट फंग्स। बारिंग मीन्स होता है शोइंग, दिखाना, एंड फैंग्स मीन्स होता है टीथ, दांत, हिज क्लॉज, क्लॉज मीन्स होता है पंजे, टेराइजिंग द विलेज। अब क्या बताया थर्ड स्टेंजा के अंदर, देखिए ह्यूमन बीइंग है, उसने क्या करना शुरू कर दिया है, उसने जंगलों को काटना शुरू कर दिया है। पहले जो नेचुरल हैबिटेट होते थे, जंगल जो होते थे, इनमें और जो ह्यूमन बीइंग जो होते थे इनके अंदर दूरियां होती थी, दूर दूर बसते थे, बट धीरे 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 पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई और इन लोगों ने जंगल काटने शुरू कर दिए और हम लोग बिल्कुल जाकर कहां पर बस गए हैं, जंगल के एज के ऊपर जाकर हम बस गए हैं। वो वहां पर आता है, टाइगर है वहां पर आता है, किसके लिए आता है बेटा? केवल उन्हें डराने के लिए, खाने के लिए नहीं। फर्स्ट स्टेंजा के अंदर हम जू वाले टाइगर की बात कर रहे हैं, सेकंड स्टेंजा के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, द टाइगर इन द जंगल, एंड थर्ड वन इज ऑल्सो टाइगर इन द जंगल। ही शुड बी स्नैरलिंग, वो क्या करता है, उसे जंगल के किनारे बने घरों के आस पास दहाड़ना चाहिए और गांव वालों को अपने सफेद दांत और पंजे दिखाकर डराना चाहिए। उन लोगों के अंदर वह डर पैदा करता है, किसके लिए, क्योंकि वो उनसे दूर रहे। बट ही इज लोक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट मतलब सीमेंट की बनी हुई जो होती है उसको कहते हैं, मेड ऑफ सीमेंट एंड स्टोन डस्ट एक्सेट्रा, कंक्रीट का बना हुआ जो मकान होता है उसको कहते हैं। हिज स्टैंड बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग इन द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। देखिए मगर वह क्या है, वह पे उसकी जो ताकत है वो किसके पीछे है, कभी बोलता है कि उसकी जो ताकत है वो एक कंक्रीट की सेल के पीछे, एक पिंजरे के अंदर कैद है, उसकी शक्तियां सलाखों के पीछे, कंक्रीट की बनी हुई जो कैद है उसके पीछे है, और वह पिंजरे की लंबाई है उसमें चलता है। जंगल तो बहुत बड़ा होता है, जंगल के अंदर घूम सकता है वो, लेकिन यहाँ पर उसके लिए केवल पिंजरा है जिसके अंदर वो घूम सकता है। एंड हियर इज द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द टाइगर इन द जू, जू वाले टाइगर के बारे में बात कर रहा है और अपने आने वाले लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर देता, उपेक्षा कर देता, उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयरिंग विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और पेट्रोलिंग मीन्स होता है गश्त लगाना, गश्त लगाने वाली जो गाड़ी है उनके लिए कहा गया है, एंड स्टेयर्स मतलब लुक केयरफुली ध्यान से देखना, एंड ब्रिलियंट मतलब शाइनिंग चमकीले। वह रात को गश्त लगाने वाली जो कारें होते हैं उनकी आखिरी आवाज सुनता है और अपनी चमकीली आंखों से चमकते हुए जो तारे हैं उन्हें देखता है। ठीक है, रिटन बाय द लिजाइल नॉरिस। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द पोएटिक डिवाइस विच वर यूज्ड इन दिस पोएम। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टैंजा, ही बेटा, ही जो होता है ही इज यूज फॉर ह्यूमन बींग, नॉट फॉर एनिमल्स। इट यूज होता है ह्यूमन बींग की जगह पर, यहाँ पर एनिमल्स के लिए इट यूज होता है। सो पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन हियर, पर्सोनिफिकेशन किसको कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन तो होती है जब किसी निर्जीव चीज की हम सजीव चीज के साथ तुलना करते हैं या फिर किसी जानवर की इंसान के साथ तुलना करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। सो हियर इज द पर्सोनिफिकेशन, पोएटिक डिवाइस इज यूज हेयर ऑन पैड। सेकेंड वन इज ऑन पैड्स ऑफ वैलेट क्वाइट, पैड्स ऑफ वैलेट क्वाइट किसको यूज किया गया बेटा, यहाँ पर मेटाफर को। मेटाफर क्यों यूज किया गया बेटा, क्योंकि मेटाफर यूज करने के लिए दो होते हैं पोएटिक डिवाइस, सिमली और मेटाफर। मेटाफर क्या होते हैं, कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग लाइक और एज, बट वैन वी आर यूजिंग लाइक और एज दैट इज द
सिमिली, जब लाइक और एज वर्ड आ जाते हैं और दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो वहां सिमिली होता है, लेकिन कंपैरिजन तो होता है लेकिन एज और लाइक के बिना होता है, वहां पर हम क्या बोलते हैं, मेटाफर बोलते हैं। ओके, एंड थर्ड वन इज ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होते हैं बेटा, ऑक्सीमोरन कब होते हैं, जब सेम जो जब दो अपोजिट वर्ड है एक साथ प्रयोग होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्वाइट और रेज दोनों अपोजिट वर्ड है और एक साथ यूज हो रहे हैं, ठीक है। क्वाइट मतलब शांत होता है और रेज मतलब क्या होता है, गुस्से में आना। तो इस तरह से ये तीन पोएटिक डिवाइस है यूज की गई है। और राइमिंग स्कीम है बेटा, देखो केज रेज स्ट्रेप्स क्वाइट, तो ए बी सी और बी। ओके, ए बी सी और बी पोएटिक डिवाइस है यहाँ पर यूज की गई है। तो इस तरह से आप पूरी पोएटिक डिवाइस इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं।